कोई भी गाना सरकारों को लेकर सामने लाती है, कोई गाना चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, अब हाँ, ऐसी स्थिति नेहा सिंह राठौर के गानों के गाने व्यंग के तौर पर, जी व्यंगात्मक तौर पर जो आप गाने लेकर आती हैं तंज के तौर पर सरकारों के कामकाज पर, स्थिति ऐसी आ गई। देखिए विपक्ष में है कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ साहब आपका जो गाना है जो आपने ट्विटर पर शेयर किया उसको रिट्वीट करते हैं, बीजेपी की तरफ से काउंटर में एक गाना निकालना पड़ता है उनको, तो ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। बिहार में काबा गाया था तभी भी इन लोगों ने किया था, जब मैंने यूपी में काबा, मेरा सवाल यह है कि लोग ये कहने लगते हैं कि देखिए विपक्ष के एक एजेंट के तौर पर नेहा काम करने लगती हैं, अपने गीत बनाने लगती हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि इनका आईटी सेल एक नैरेटिव सेट करने में बहुत आगे है, एक प्रोपेगेंडा सेट करने में। अब भैया मैं अगर आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी शेयर कर रहे हैं, यूपी में काबा गई, अखिलेश यादव जी शेयर कर रहे हैं, अगर इंडिविजुअल सबका ट्विटर हैंडल देखना आप शुरू कर लेंगे तो मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने शेयर किया है और वो आम जनता का गीत है, आम लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो यूपी में काबा हो या बिहार में काबा हो। और मेरा किसी पे वश नहीं है भाई, वो गीत मैंने पब्लिक किया हुआ, चाहे वो कमलनाथ जी शेयर करें या कमल छाप वाले शेयर करें, वो तो उसपे मुझे, हाँ मतलब मेरा उसपे वश नहीं है, कोई भी शेयर करे। अच्छा बात तब हो जाती है अगर कमलनाथ जी के ट्वीट को मैं रिट्वीट करूं तो आप मुझसे सवाल कर दीजिए कि बताइए आपको भी बड़ा बड़ाई लूटना है कि हमारा गाना तो एमपी के जो है क्या बोलेंगे एक्स सीएम जो है या फिर जो भी भावी सीएम चाहे जो भी कह लीजिए वो शेयर करना है, या फिर ये कह लीजिए कि अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट बताइए जो मैंने रिट्वीट किया, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ अखिलेश यादव जी का जो है ट्वीट रिट्वीट करते हैं। मैंने किसी भी नेता का ट्वीट रिट्वीट और ये वो मैं रिपोस्ट रिपोस्ट कभी कुछ नहीं करती हूँ। अब ये लोग करते हैं इसमें मेरा कुछ नहीं है जी, और आप सिद्ध लोग सवाल उठाते हैं जी। आपने कहा कि देखिए मैंने कमलनाथ जी का ट्वीट रिट्वीट नहीं किया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा सिंह राठौर ये जानती है कि इस तरह के गानों से वो पब्लिसिटी नेहा सिंह राठौर को मिल रही है कि उन्हें किसी का ट्वीट रिट्वीट करने की जरूरत ना पड़े, क्या ये वजह तो नहीं है? देखिए पब्लिसिटी की रही बात तो देखिए मैं कलाकार आदमी जी, आप अभी पत्रकार आदमी है, ईमानदारी की बात यही है कि आपको भी पब्लिसिटी चाहिए, हमको भी पब्लिसिटी चाहिए, हम मान के चलते हैं कि सबको पब्लिसिटी चाहिए, है ना, हर व्यक्ति को यहाँ पब्लिसिटी चाहिए। सोशल मीडिया पे जिसको कुछ नहीं आता है वो भी हेलो हाय गाइस हम नहाने जा रहे हैं हम खाने जा रहे हैं करके व्लॉग बना रहे हैं, तो पब्लिसिटी तो सबको चाहिए जी, बशर्ते आपका एक तरीका होना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा ये तरीका है जो बेस्ट तरीका है, मतलब हाँ बेहतर तरीका मानती हूँ मैं, आगे बेस्ट और हो सकता है, सुधार की तो हमेशा ही गुंजाइश रहती है। तो हाँ भाई पब्लिसिटी तो चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी चाहिए हमको चाहिए जितने लोग देख रहे हैं वो सबको पब्लिसिटी चाहिए जी। सच्चाई यही है। अब मेरे को थोड़ी पता था भाई कि मैं काबा गाऊंगी तो अब 4 FIR दर्ज करा दोगे तो फिर मीडिया में बात जाने लग जाएगी, तो 4 मीडिया वाले भी मुझसे सवाल करने लग जाए, अपने मन से तो FIR हम कराते नहीं जाते हैं, FIR भी आप ही कराते हो, मीडिया में बात फिर आप ही लेकर के आते हो, तो इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मैंने यूपी में काबा गया नोटिस भिजवा दिया, तो हम तो बताएंगे ना जी कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो हम हमारे पास तो कुछ पार्टी वार्टी के लोग नहीं है, हमारे पास मध्य प्रदेश में भी FIR हुई आपके खिलाफ 153 आईपीसी की धारा 153 ही भाई, 4 FIR हुआ है मेरे खिलाफ एमपी में, और आप कहते हैं पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिसिटी तो ये लोग खुद दिलवा रहे हैं, मुझे तो कोई पीआर टीम भी हायर करने की जरूरत नहीं है, मुझे मीडिया मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं, 2 FIR कराते 4 मीडिया वाले मेरा बाइट लेने चले जाते हैं, इनसे कहिए कि ये ही अगर ये चाहते हैं कि मेरी पब्लिसिटी ना तो FIR ना कराएं, मेरे को आराम से गाना गाने दे, कोई मीडिया वाला नहीं आएगा फिर कोई पब्लिसिटी नहीं।